नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का राजस्थानी मारवाड़ी हॉर्स यूट्यूब चैनल में। और काफ़ी सारी कोशिश करते हैं कि आपको अच्छे से अच्छा घोड़ा या घोड़ी दिखाया जाए मारवाड़ी। और हाँ बेटा, बस 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 बेटा, धीरे 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 थोड़ा धीरे, बस ज़्यादा नहीं दौड़ा। ये जो घोड़ी है ये डायरेक्ट अशोक जो घोड़ा है नैनावा पार्थ सिंह जी के पास, उस घोड़े की बच्ची है। और बाकी सारी डिटेल अपन इनके ओनर से लेंगे। तो नमस्कार सर। जी सर, नमस्कार, स्वागत है आपका। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये जो भी जो घोड़ी अपन देख रहे हैं कैमरे में, ये घोड़ी अशोक घोड़े की है। जी सर, ये अशोक रत्नाकर जो पार्थ सिंह जी नैनावा के पास है। जी जी जी, उसकी है। तो उम्र क्या उम्र की होगी? होगी ये सर, हो गई है करीब 6 साल। 6 साल की। जी सर। तो कितने बच्चे वगैरह दे दिए? अभी 2 बच्चे दे दिए और तीसरे अभी देने की तैयारी पे। प्रेग्नेंट है? अभी प्रेग्नेंट है, 10 महीने। 10 महीने की अभी, महीने भर से 16-11 को इसको कंसीव करवाया था हिडाल्गो से। अच्छा, पहले जो रिजल्ट थे वो कौन कौन से घोड़े से दे चुकी है? पहले फर्स्ट में जो था एक मास जो रजनीश मिश्रा जी के पास है। अच्छा। उसके बच्चे का बच्चा। अच्छा, फर्स्ट था इसका रिजल्ट। अच्छा, जो अभी एक बहुत अच्छा स्टेलियन है, स्टेलियन बनने जा रहा है। हाँ। और काफ़ी अच्छा बच्चा तैयार हो रहा है, अभी तो मिल्क फीट नहीं होगा। अच्छा, पता नहीं लगा, लेकिन लगभग 63+ हुआ है जी। और बहुत ज़बरदस्त बना है। उसके पश्चात जो अभी हाल ही में रिलायंस ग्रुप ने खरीदा है आलमगीर, जालामंड जोधपुर था स्टार्टिंग में। जी जी, उस दौरान कवर करवाई थी इसकी बच्ची, जो अभी हाल ही में खड़ी है अपने पास। पिछले वाले आपने वीडियो में भी उसको दिखाई है? बिल्कुल बिल्कुल दिखाई थी वो बच्ची। जी सर। और ये अभी तीसरी प्रेग्नेंट। तो आपने ये भी परचेज की है सर? जी सर, 3%। अच्छा, तो ये कहाँ से परचेज की थी आपने? ये अभी अपने ही गांव में। अच्छा, पादरुना सोगराम की चौधरी। अच्छा, 2 घोड़िया उनसे ली थी, दोनों ही अशोक रत्नाकर के। 21 लाख। भागने दे, थोड़े सामान ही भागने दे, बस तू खड़ा रह ले। आ बेटा, पीछे जा। तो उनके पास ये 2 घोड़ी थी, दोनों अशोक की थी क्या? हाँ, दोनों ही अशोक। अच्छा, ये जो है। तो अपने पास कितना टाइम हो गया इसको? करीब अपने पास समझो ना, इसने जब फर्स्ट बार से दी थी वो बच्चा उनके वहीं ब्रीड हुआ था, और बच्चे और माँ को साथ में ही परचेज कर ली थी। अच्छा, और उसके पश्चात आलमगीर क्रॉस करवाया, उसकी बच्ची भी मेरे पास है। और उसके पश्चात अभी हिडाल्गो से कवर है जो 16-11 को कंसीव है। अच्छा अच्छा, तो अभी 10 महीने के प्रेग्नेंट है। 10 महीने। तो मतलब ब्रीडिंग इसकी आपने लाके ही चालू की थी? बिल्कुल, ब्रीडिंग ला करके ही। कंसीव आई थी आपके पास? नहीं सर, जिस समय लाए थे उस समय कोल्ट साथ में था। अच्छा, तो कोल्ट बर्थ वहीं हो गई थी, बच्चा हुआ उनके पास जो रजनीश मिश्रा जी के पास, जो मार्स है उसका पोता। अच्छा, और मेरे यहाँ दोनों साथ में लाया था, फिर बच्चे को सेल कर दिया। जब इस घोड़ी को खरीद के लाया उसके पश्चात दूसरी वाली को भी मैंने खरीद लिया उनसे। अच्छा, दोनों घोड़ी आपने? दोनों, बहुत अच्छी घोड़ियाँ थी। तो अशोक के मतलब आपके एरिया में काफ़ी सारे रिजल्ट है? बच्चे बच्चे बहुत ज़्यादा तो नहीं कह पाएंगे। जी जी, क्योंकि अशोक घोड़ा यहाँ अपने चौरा में रहा था। जी जी, हमारे गांव में जी, और वो करीब साल भर रहा था, और उसके पश्चात अपने पार्थ सिंह जी ले गए थे, और उसके पश्चात अपनी खुद की घोड़ियों के अलावा बाहर शुरू में स्टार्ट में मैटिंग की थी, क्रॉसिंग किया था, लेकिन उसके पश्चात बंद कर दिया था, अपने खुद के लिए वो यूज ले रहे हैं, तो उनके बच्चे तो बहुत कम। तो अपन एक जो अल्टीमेट रिजल्ट, अपन मतलब जैसे एक नॉर्मल जो डाइट है अपने किसान लोगों की, वो उस डाइट पे ज़्यादा समय तक अपन घोड़ी से बच्चा ले सकते हैं? बिल्कुल।
उसको ले सकते हैं, नेचुरल ग्रोथ होगी, बच्चे की भी नेचुरल ग्रोथ रहेगी जी, और हष्ट पुष्ट होगी, बच्चा की ग्रोथ अच्छी करेगी, ग्रोइंग एज में भी हाइट के लिहाज से और ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा सभी प्रकार का। तो अभी इसकी क्या उम्र हो गई होगी समथिंग? अब इस घोड़ी की 6 साल होगी। 6 साल की। और इसकी मदर की बात करें तो मदर कौन है? मदर देखो किस लाइन से थी, ऐसा तो कुछ नहीं है जी जी, लेकिन अभी भी खड़ी है और काफ़ी पुरानी कुमेत कलर की घोड़ी है, बहुत मजबूत घोड़ी है, अच्छे प्योर मारवाड़ी है जी जी, कह सकेंगे। लेकिन उसके पीछे खानदान क्या है वो उसका आइडिया नहीं है, एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। सही है, सही है। लेकिन मारवाड़ी में कोई फर्क नहीं। ठीक है। सभी मित्रों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें, क्योंकि आज से पहले कभी मैंने ये चीज़ नहीं बोली है, और जो भी इस वीडियो को देखता है वो शेयर या लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आज आपका सपोर्ट के कारण ही आज RMH चैनल जो है इतना अच्छा चलता है और इतना ग्रोथ है। और सभी मित्रों से निवेदन है कि ये आपका खुद का चैनल है और मैं अच्छी से अच्छी कोशिश यही करता हूँ कि अच्छा से अच्छा घोड़ा आपको घोड़ी दिखाया जाए, और गर्मी सर्दी हर मौसम में आपको अच्छा जानवर दिखाए। और अगर आप कोई नया फार्म वगैरह खोलना चाहे तो आप वीडियो को देख के अच्छी तरह से बारीकी घोड़े या घोड़ी की देख के फिर अपने घर पे घोड़ी घोड़ा परचेज कर सकते हैं, क्योंकि हाइट घोड़े के लिए कोई मायने नहीं रखती है। काफ़ी सारे लोग हैं तो हाइट पे ज़्यादा निर्भर करते हैं कि भाई हाइट चाहिए हाइट चाहिए, हाइट मारवाड़ी घोड़े में कोई अहमियत नहीं रखती है। और मेरे मानने के हिसाब से 61-62 की घोड़ी बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देती है, हाइट का घोड़ी से संबंधित कोई इशू नहीं होता है। अगर अच्छी घोड़ी ब्रीडिंग कर रही है और बच्चा बच्ची अच्छे दे रहा है तो उसका हाइट का कोई मान्य नहीं रखा जाता है। आगे और भी आपको मिलेंगे अच्छे अच्छे वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।